नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल करियर जोन में। आज मैं आप लोगों को HTML में कैसे टेबल क्रिएट करते हैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहले हम लोग नोटपैड ओपन कर लेंगे। नोटपैड ओपन करने के बाद मैंने पहले ही HTML के स्ट्रक्चर का बताया है आप लोगों को कि HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है वेब पेज बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे HTML, उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हेड। हेड के अंदर मैं कुछ भी हेडिंग हम लोग दे सकते हैं, जैसे कि मैं दे देती हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स लिस्ट। फिर हम लिखेंगे टाइटल, जो कि टाइटल बार में डिस्प्ले होता है इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ लिख देते हैं क्रिएटिंग टेबल्स इन HTML। अब टाइटल को क्लोज करेंगे और उसके बाद हम लोग हेड को क्लोज करेंगे, बॉडी टैग स्टार्ट करेंगे। बॉडी टैग स्टार्ट करने के बाद अब टेबल क्रिएट करने के लिए हम लोगों को टेबल टैग का यूज़ करना होगा। तो सबसे पहले टेबल टैग यहाँ पे लिखते हैं। टेबल टैग लिखने के बाद टेबल के दो सब टैग्स हैं, TR टेबल रो और टेबल डेटा। टेबल रो, जब भी हम एक नई रो क्रिएट करेंगे तो हमें TR को डिफाइन करना पड़ता है, और जब हम उसके अंदर डेटा इंसर्ट करते हैं तो हमें टेबल डेटा डिफाइन करना पड़ता है। उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि टेबल क्रिएट करने के लिए टेबल की जो इन्फॉर्मेशन है, जो कि टेबल के फॉर्म में आए, यानी कि टेबल के बॉर्डर्स के साथ आए, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो इस टेबल का एक एट्रीब्यूट है बॉर्डर एट्रीब्यूट। हम लोग वहाँ बॉर्डर एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे 1। आप और उसके बाद यहाँ पर आते हैं, सबसे पहला रो डिफाइन करेंगे। फर्स्ट रो डिफाइन कर रहे हैं TR से। TR डिफाइन करने के बाद अब फर्स्ट रो में हम लोग क्या डेटा डालना चाहते हैं, TD में लिखेंगे वो। सपोज़ जैसे कि स्टूडेंट का डेटा है, तो मैंने सबसे पहला कॉलम नेम लिख दिया है TD में, नेम। उसके बाद मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, मैं एक एक करके रो एग्जीक्यूट करवाऊँगी लिखने के बाद, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्लास एंड देन सेक्शन लिख दिया है। अब मेरी पहली रो कंप्लीट हो गई है। मैं जितने चाहे उसमें कॉलम ऐड कर सकती हूँ, जितने कॉलम ऐड करने हैं उतनी बार आपको TD डिफाइन करना है, और फिर हम अपने पहले रो को कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पे अब मैं टेबल टैग क्लोज करूँगी, फिर मैं बॉडी टैग क्लोज करूँगी, फिर मैं HTML टैग क्लोज कर रही हूँ। इसको सेव करके एग्जीक्यूट कराएंगे। अभी मैंने कोई और इन्फॉर्मेशन इंसर्ट नहीं की है, इन्फॉर्मेशन इंसर्ट करेंगे, पर पहले मैं दिखाना चाहती हूँ आपको कि कैसे टेबल क्रिएट होता है, इसका आउटपुट कैसे आएगा। यहाँ पे सेव कर दे रही हूँ table.html से। अब चले जाएंगे अपने डेस्कटॉप पे और वहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं टेबल कैसा शो हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट किस टाइप का शो हो रहा है, मैं इसको और जूम कर देती हूँ ताकि आप अच्छे से देख सकें। जो कि हम लोगों ने हेडिंग में लिखा था स्टूडेंट लिस्ट, वो यहाँ टेबल के हेडिंग में ऊपर आ रहा है, हेड में आ रहा है, टेबल के हेड में नहीं आ रहा है। ये हेडिंग है, हेडिंग ऑफ द वेब पेज है, ये हेडिंग के पेज की हेडिंग है स्टूडेंट लिस्ट। अगर हम चाहते हैं कि इस टेबल के ऊपर भी कोई हेडिंग आए, तो उसके लिए हमारे पास है कैप्शन टैग, जो कि टेबल टैग के बाद डिफाइन होता है, वो टेबल का कैप्शन होगा। अब जैसे अगर आप उस टेबल को कहीं मूव करते हैं, तो उस कैप्शन को भी आप, वो कैप्शन आपके टेबल के साथ जाएगा। यही डिफरेंस है हेड और टेबल टैग, कैप्शन टैग के अंदर। अगर हम कैप्शन के अंदर यहाँ पे लिख देते हैं सपोज स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन ऑफ, इतना ही लिखते हैं, और कैप्शन टैग को क्लोज कर देंगे, और यहाँ पे जाके इस फाइल को सेव करेंगे, रिफ्रेश करके देखते हैं। अब ये देखिए, ये टेबल की हेडिंग आ रही है। कैप्शन के अंदर जो लिखेंगे वो टेबल की हेडिंग आएगी, जो हेड के अंदर लिखते हैं वो वेब पेज की हेडिंग होती है। अब अगर हम इस टेबल को लेफ्ट राइट सेंटर कहीं भी मूव करते हैं, तो ये कैप्शन जो है उस टेबल के साथ मूव होगा। अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे अलाइन एट्रीब्यूट इज इक्वल टू सपोज सेंटर। अब इस फाइल को सेव करके यहाँ रिफ्रेश करेंगे, देखिए। लेकिन ये हेड टैग के अंदर अगर हमने वो हेडिंग लिखी होती स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, तो वो टेबल के साथ मूव नहीं करता, ये टेबल के साथ मूव करेगा। तो कि ये हमारी पहली रो तैयार हो गई है। टेबल बॉर्डर में हमने थिकनेस में 1 दिया है, इसलिए एक बॉर्डर है। आप थिकनेस की बढ़ा भी सकते हैं 2, 3, 4 दे करके। अब जो है यहाँ पे मैंने पहले रो में पहला डेटा लिखा था नेम, फिर क्लास, फिर सेक्शन। वो मैंने इन्फॉर्मेशन जो डाली है यहाँ पे, वो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है। अब चाहे तो आप जितने मन चाहे उतने रोज़ ऐड कर सकते हैं इसमें।
अब हमें रोज़ और ऐड करने हैं अगर, तो हम क्या करेंगे, दोबारा से हमें TR टैग ओपन करना होगा यहाँ पे एक नए रो के लिए। अब उसके अंदर आप जो भी डेटा डालना चाहें, जैसे कि मेरे पहले कॉलम में इंफॉर्मेशन नेम की आ रही है, तो मैं यहाँ को एक नाम डाल देती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल राहुल, और TD को क्लोज कर दूँगी। फिर दूसरी बार मैं टेबल डेटा में क्लास लिखूँगी, एग्ज़ाम्पल 10, और यहाँ TD को क्लोज कर देंगे। और फिर लिखेंगे हम लोग यहाँ पे सेक्शन, फॉर एग्ज़ाम्पल सेक्शन C, और इस TD को क्लोज कर देंगे। फिर हम इस रो को क्लोज करेंगे, इस रो की इन्फॉर्मेशन अपडेट हो गई है। फाइल को सेव करेंगे जाके, और फिर से हम इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये डेटा, इसमें एक नई रो ऐड हो गई है। इसी तरीके से हमने टेबल में और रोज़ ऐड कर सकते हैं। जितने रोज़ आपको ऐड करने हैं, उतनी बार आप इस डेटा को रिपीट करिए, इन्फॉर्मेशन चेंज करिए। मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेती हूँ ताकि कोडिंग मुझे कम लिखनी पड़े, और यहाँ पे मैं डेटा चेंज कर देती हूँ। सेव करेंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, बहुत इजी है HTML में ऐसे टेबल क्रिएट करना। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टेबल के कुछ और एट्रीब्यूट्स के बारे में बताऊंगी। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए। कोई और अगर क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तब तक घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।